क्या कहेंगे? इस बार पहले तक दो ही पार्टी होती थी, इस बार आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या लग रहा है इस बार? थोड़ा डर लग रहा है आम आदमी पार्टी का हमसे? भारतीय जनता पार्टी को किसी कोई भी पार्टी का डर नहीं है। कांग्रेस के जो शासन कर रही थी 40 सालों, उसका भी पतन कर डाला, तो आम आदमी पार्टी क्या है उसके सामने? तो कुछ भी नहीं, जीरो है आम आदमी पार्टी। हमारी बीजेपी विन होगी। जय जय मोदी, जय जय गुजरात। गुजरात में किसी पार्टी को हम आने नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी को खत्म ही कर डालेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जीतेगा गुजरात, जीतेंगे मोदी, जीतेंगे हम। जीतेंगे गुजरात, जीतेंगे मोदी, जीतेंगे हम। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता है गोपाल इटालिया, उन्होंने जिस तरह से कुछ बयान दिए थे महिलाओं को लेकर, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्या कहेंगे उस बारे में? जो गोपाल इटालिया है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। जो वो कह रहा है कोई राम नहीं है, और जो कोई हम कथा में सत्यनारायण की कथा करते है तो उसमें वो कहता है की तरह तालियां पाटते है, तो हिंदू होता तो ऐसी बात नहीं करता। और हमारी जो पार्टी है बीजेपी, वो सिर्फ न सिर्फ सब समाज को साथ लिए चलने वाली पार्टी है, सब समान है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। राम मंदिर 300 उसका नाच है। हम जो बाबरी मस्जिद थी वो ध्वंस करके हमारे बीजेपी मोदी साहब ने वो वहाँ राम मंदिर बनवाया है, और वो जो है हमारी पार्टी बीजेपी राम मंदिर के लिए ही लड़ रही है। अच्छा, और इसको कैसे देखते हैं? राम मंदिर की बात चल रही है, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि आप मेरी सरकार बना दो लेकिन हम राम मंदिर आपको ले जाएंगे घुमाने, दर्शन करवाने फ्री में। नहीं, सब झूठ है। वो चाहे दिल्ली देख लो, जो विकास जो दिल्ली में नहीं कर पाया वो गुजरात में क्या करेंगे? और हमारा गुजरात मोदी साहब ने रोल मॉडल बना डाला है, और विश्व में मोदी साहब का डंका बज रहा है, तो केजरीवाल क्या चीज है? कैसे देख रही हैं इस बार चुनाव को? सुरेंद्रनगर है, रतनपुर थी। पिछली बार 4 सीटें आई थी कांग्रेस की। भाजप जिंदाबाद, मोदी साहब आवेगा, अने आजो भाजप बाद विधानसभा आएगी, वडवानी आएगी, जगदीश भाई मकवान हमारा जीतेगा। अच्छा, आप जिस आज परिधान में आए हैं वो भी पूरा कमल कमल और बीजेपी के? कमल बीजेपी, बीजेपी ने बीजेपी, कमल कमल ने कमल। राहुल गांधी भी आ रहे हैं आज राजकोट? नहीं आएंगे। हमारा मोदी हमारा लेडीज का काम करेगा, हमारा महिला का, हमने जो आता रहे हमें जिंदाबाद आगे निकलेगा। हमारा मोदी साहब हमने महिला ने आगे लाएगा। मोदी जी चाहिए, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं चाहिए, सावरो नहीं चाहिए, पंजो नहीं चाहिए, कमल चाहिए, कमल मोदी साहब, कमल 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 ने कमल। क्या नाम है आपका? महेंद्र भाई खांडला। क्या नाम है? एक सेकंड यार, आराम से। मोदी साहब पे सब कुछ है, मोदी साहब पे कुछ भी नहीं है। गुजरात में मोदी ही चलेगा। 307 निकल दिया है तो मोदी चलेगा नहीं यार, मोदी चलेगा, मोदी का राज है, मोदी ही चलेगा। गुजरात में मोदी है, आप बाप कांग्रेस सब कुछ गया। रेवड़ी आपे है, एक कोई तीजो पक्ष फायवो नहीं गुजरात में, जिंदगी में फावशे नहीं। बीजेपी ओनली फोर, गुजरात में ओनली मोदी चल रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, कोई हरीफ ही नहीं है। क्या नाम है आपका? पीको। क्या चाह रहे हैं आप? मोदी जी आ रहे हैं आज? मोदी भी गए आए भाई, मोदी जी थे। सर क्या नाम है आपका? महेश भाई। कैसे देख रहे हैं चुनाव? एकदम आ चुका है, सभी पार्टियां जो है तैयारी कर रही है। भाजपा जीतेगी, बहुत लीड से जीतेगी। सुरेंद्र नगर में 2017 में 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास आई थी, वो वातावरण अलग था, अभी वातावरण अलग है। क्या कहेंगे आप? सब 5 में से 5 आएगी। 5 में से 5 किसकी? भाजपा की। क्या नाम है आपका? करशन भरवाड। मोदी जी आ रहे हैं सुरेंद्र नगर में आज, पहले यहीं के मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चुनाव है तो कैसे देख रहे हैं इसको? सारू देख रहे, हमारा जिला ने 5 5 बीजेपी ने छीटा होनी, 5 की 5 बीजेपी, 5 5 बीजेपी ने होनी। लेकिन 2017 में तो 1 सीट आई थी, 4 कांग्रेस ले गई। आंदोलन होता ने, ज्ञाती ना समीकरण होता, एटले बाकी विकास बहुत किया है,
પાણી લાઇટ રોડ રસ્તા ખેડૂતને દર મહિને દર વર્ષે 3 વખત 2-2 હજાર રૂપિયા ખાતામાં પડે. એક ઓર પાર્ટી આઈ ઇસ બાર આમ આદમી પાર્ટી કોઈ એમ પેશન્ત ભી નહીં આમ આદમી પાર્ટી ભાજપ આવશે ઓનલી ભાજપ દેખીએ યે હે હા યે દેખીએ ફોટો લાયે હે ક્યા નામ હે આપકા આપકા લાયે હે ફોટો શુભમ ફોટો દિખાઈએ એક બાર યે દેખીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જી કી ફોટો લાયે હે કિતને કિતના લગાવ હે મોદી જી સે ઉનકી ફોટો લેકે આયા આજ આપરે બહોત લગાવ આપકા કે નામ હે સર રાજુ ભાઈ અચ્છા આપ હી કે સાથ આયે હે ફોટો લેકે ઇસકા પપ્પા હો અચ્છા આપ ઇનકે પિતા જી હે હા અચ્છા आज आपके बेटे मोदी जी के लिए जो है वो लेकर के आए हैं तस्वीर लेकर के आए हैं चुनाव का माहौल है क्या कहेंगे मोदी जी आ जाएंगे मोदी है यार मोदी साहब है तो सब मुमकिन है ना गुजरात में पूरा विकास हुआ देश में विकास हुआ है सभी खेडूत को पानी मिल रहा है वो विकास ही है ना अच्छा केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रच रही है लेकिन मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूँ मैं चक्रव्यूह वेदना जानता हूँ केजरीवाल अपने आप फंस जाएगा गुजरात में उसकी लॉलीपॉप नहीं चलेगा गुजरात की जनता के पास रेवड़ी नहीं चलेगी झूठा कुछ नहीं चाहिए सच्चा चाहिए फ्री में कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमें हमारी सेफ्टी चाहिए केजरीवाल तो लुकेश पार्टी है लुकेश पार्टी बोल रहा हूँ मैं केजरीवाल को लुकेश अच्छा पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ से 4 सीटें जीती थी 2017 में अभी 5-5 सीट बीजेपी की है वो भी 20,000 मत से लीड से जीतेगी इतनी लीड से जीतेंगे आप क्या कहेंगे काका कुछ नहीं कहेंगे हम इस समय सुरेंद्र नगर में मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और लगातार यहां रैली कर रहे हैं क्या कहेंगे क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार लग रहा है इसलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं मोदी जी जो आ रहे हैं वो इसमें कोई त्रिकोण मुकाबला नहीं हो रहा है मगर जो यहाँ की जो हमारी गुजरात के मुख्यमंत्री है यशस्वी मुख्यमंत्री और वड़ा प्रधान तो यहाँ जो पब्लिक है उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारा है इस देश में देश के विकास में जो भागीदारी है और वो भागीदारी कर रहे हैं वो हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान जो है मोदी जी वो इधर आ रहे हैं उसका जो माहौल हो उसको देखने का जो हमको चांस मिल रहा है इसीलिए यहाँ हम आ रहे हैं आपका क्या नाम है सर हमारा नाम भरत सिंह सिसोदिया है क्या कहेंगे इस बार आम आदमी पार्टी भी आ गई है मैदान में कोई बात ही नहीं बीजेपी से कोई बात ही हो सकती नहीं मोदी ओनली फॉर मोदी और कुछ नहीं राहुल गांधी ने भी अपना दौरा शुरू कर दिया आज आ रहे हैं गुजरात सब जीतने के लिए दौरा तो करते इससे कोई मतलब नहीं गुजरात की जनता अच्छी तरह मोदी जी को पहचानते है मोदी पे यहाँ से हमें केंद्र में भेजा है तो उसकी वो आते हैं तो कोई सवाल ही नहीं पैदा था ओनली फॉर मोदी गुजरात ने और कुछ नहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने चक्रव्यूह बनाया है मुझे फंसाने के लिए लेकिन मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूँ इस चक्रव्यूह को भेद दूंगा क्या कहेंगे इस बारे में अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई जी ये मोदी जी मोदी ही है मोदी के कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता है ये हमारे गुजरात के हैं और हमें उन पर नाज है केजरीवाल का यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला मोदी जी है तो सब मुमकिन है और कुछ नहीं मोदी है तो मुमकिन है ये बात है और ये तो विश्व भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे सिर्फ मोदी ले जा सकता है अभी तक 75 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो भारत को विश्व में प्रसिद्ध जिसने किया हो इसलिए